धन्यवाद। इस चैनल में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ग्रामर, वोकैब, रूट वर्ड्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो जल्दी देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। ऑल द बेस्ट। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। इंग्लिश वाइंस यूट्यूब चैनल पे आपका सब हीरेन सिंह कुशवाहा मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ, आप सभी लोगों से कहूँगा कि हमारे इंग्लिश वाइंस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको पूछना है, वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इस इंग्लिश से जुड़ी हुई कई सारे नोट्स जो होंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन जोन होगा वो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चूँकि आपको समय के अनुसार सारी अपडेट मिलती रहें, आप इस चैनल से अपडेटेड रहें और कई सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज और कई सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स इस चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। और चूँकि मैंने सोचा था कि नए साल में कुछ नई चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट के लिए लेके आऊँगा, क्या होता कि भगवान की दुआ से और बच्चों का इतना प्यार मिला कि बच्चों की इतनी डिमांड थी कि सर आप YouTube चैनल पे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोचिंग लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, कुछ लोग आउट ऑफ स्टेट थे तो ऐसे स्टूडेंट को कोचिंग ले पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑन हाई डिमांड मैं YouTube चैनल लेकर आया हूँ। एंड आई स्ट्रांगली विश कि आप सभी लोगों का प्यार जितना आपने मुझे ऑफलाइन में दिया है उतना ही प्यार आप मुझे ऑनलाइन में देंगे, ठीक है ना। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा इंटेंशन मेरा ये रहेगा कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारे फंडामेंटल से अवेयर में करा दूँ, ठीक है। आज जो मैंने टॉपिक आपको सामने लाया हूँ वो है हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अभी SI की वैकेंसीज डिक्लेयर होने ही वाली हैं, SSC की डिक्लेयर हो चुकी हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स नए साल में आपको मिलने वाले हैं। ऐसे में अगर मैं इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात ना करूँ तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जो सेक्शन है वो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारी पहली वीडियो में, हमारे इस YouTube के चैनल के पहले वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें उठाई जाएं जिसमें बच्चों को काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मिलें, कंटेंट मिलें और ऐसी चीज़ मिलें जिसको एग्ज़ाम में वो स्कोर कर सकें। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आई थी कि चलो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बारे में तो फैक्ट्स एंड फंडामेंटल देखते हैं और इससे आपको रूबरू करवाते हैं। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं, वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो फिर अब बिना समय गंवाए हुए हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, सारे नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, सारे अपडेट्स आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिकली आ जाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का ये वाला पार्ट। स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, कैसे उसके साथ डीलिंग करनी चाहिए, हाउ टू टैकल इट, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से पूछे जाते हैं और कुछ एक शॉर्ट पैसेज भी हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को पहले पढ़ना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो पैसेज बाद में पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन काफ़ी मुश्किल पैदा करता है उन स्टूडेंट के लिए जो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से आए हैं। चलिए फिर, तो सबसे पहला है, आप स्क्रीन पे देखिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है, वो ये है, साथ में पढ़ेंगे हम लोग। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज द स्किल टू रीड द पैसेज एंड अंडरस्टैंड इट विथ वर्बल स्किल्स एंड लॉजिकल माइंड विद इन द टाइम कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब स्क्रीन पर तो आपकी डेफिनेशन आ ही गई होगी, लेकिन बोलते हैं ना कि किसी कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, केवल डेफिनेशन पढ़ने के लिए पढ़ जाते हैं, उसके अंदर छुपा हुआ जो काम की चीज़ है, जो रियल कंटेंट है, उसको वो लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। अब एक काम करते हैं, इसी डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इस डेफिनेशन को हम दोबारा से पढ़ेंगे तो इस बार जो कुछ बातें सामने निकल के आएंगी, हो सकता है ये वर्ड्स बच्चे ने अंडर एस्टिमेट कर दिए हों, ये वर्ड्स वो हों जो बच्चे ने देखने के बावजूद भी समझा ना हो। तो अब मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को की डेफिनेशन को दोबारा पढ़ता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज द स्किल टू रीड, रीड मतलब क्या है, पैसेज को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए,
ठीक है। रीडिंग स्किल्स भी होती हैं दोस्तों, रीडिंग ये नहीं होती कि आपने अखबार उठाया और पढ़ना शुरू हो गए, है ना। आपको रीड करते समय ये भी ध्यान रखना है कि पढ़ी गई चीज़ें समझ में भी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों चीज़ें दोस्तों पैरेलल होनी चाहिए। ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप शुरू हो गए पैसेज पढ़ना और समझ में कुछ नहीं आ रहा, और ऐसा भी नहीं है कि आपको समझने के चक्कर में आपको बहुत धीरे 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 स्पीड आपकी है, क्योंकि 15 से 20 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज का पार्ट सॉल्व करना चाहिए। तो दोनों को हमें इक्वली मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक बात। रीड द पैसेज एंड अंडरस्टैंड इट विथ वर्बल स्किल्स, वर्बल स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। वर्बल स्किल्स क्या होते हैं, जैसे कि वोकैबुलरी, जो भी पैसेज में वोकैबुलरी यूज हो रही है वो आपको आ रही है या नहीं आ रही है। जिस लॉजिकल माइंड से ऑथर ने वो पैसेज लिखा हुआ है, यानी कि मछली की आंख में निशाना लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो बात पैसेज ऑथर जो है वो आपको जो बात समझाना चाह रहा है जिस वजह से उसने पैसेज को लिखा है, क्या वाकई में आप उसे समझ पा रहे हैं। अगर आप वही बात समझ पा रहे हैं जो पैसेज में लिखी गई है तो आपका लॉजिकल माइंड काम कर रहा है। अगर वोकैबुलरी से बात अगर मैं बात करूं, जैसे अगर एग्जाम में ये वर्ड आ गया डेक्सटेरिटी, ठीक है ना, डेक्सटेरिटी, तो डेक्सटेरिटी का मतलब अगर आपको पता होगा तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर डेक्सटेरिटी का मतलब ही नहीं पता होगा इसका मतलब आपकी वर्बल स्किल्स वीक हैं। इसलिए कहते हैं कि अखबार पढ़ा कीजिए, और अखबार पढ़ोगे ना तो उससे क्या होगा कि आपके डेली लाइफ में जो वोकैबुलरी है वो गार्निश होती रहेंगी, ठीक है ना, विद इन टाइम कॉन्स्टेंट। तो ये जो जितने भी वर्ड मैंने सर्कल्ड किए हैं, जो रेड में आपको दिखाई दे रहे हैं, बस वही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपने इन शब्दों पर फोकस कर लिया तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप आसानी से टैकल करना सीख जाओगे, ये दावा है मेरा। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को पढ़ाता हूँ या फिर जब मेरा टाइम चल रहा था, जब मैंने स्टडी की थी, तो मैंने देखा था कि जो कुछ बातें सामने निकल के आई थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में वो यही थी। क्या क्या थी? आपको पैसेज को रीड करना आना चाहिए, रीडिंग के साथ साथ उन्हें समझना भी आना चाहिए। वर्बल स्किल्स आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, वोकैबुलरी पर आपको अच्छा खासा काम करना पड़ेगा दोस्तों। लॉजिकल माइंड यानी कि जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं आप तक पहुंच रही है, तो आपका लॉजिकल माइंड काम कर रहा है, ठीक है ना। और टाइम कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है कि याद रखना, रीड और अंडरस्टैंड करते समय ये मत भूल जाना कि समय की जो सुई है वो चल रही है, ठीक है। तो आपको इनमें बैलेंस बनाना आना चाहिए, ठीक बात। चलिए अब अगली स्लाइड्स को देखते हैं क्या छुपा है इसमें। तो अभी तक मैंने क्या बताया, जो स्टूडेंट हमारे अभी जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ें, उनको समझें, और जो है क्या है, टाइम कंस्टेंट का ध्यान रखें। समय अपनी गति से दौड़ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो समय दौड़ रहा है, लेकिन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों ही आपको पैरेलल रखनी पड़ेंगी, ठीक बात। ओके, आरसी क्यों दिया जाता है पैसेज में, मतलब ऑथर को ऐसी क्या पढ़ी है या एग्जामिनर को ऐसी क्या पढ़ी है कि वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट एग्जाम में दे रहा है। कुछ ना कुछ तो इंटेंशन हुआ होगा ना। इंजीनियरिंग में क्या होता था, कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बोलना तो नहीं चाहिए, जिसका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मुझे अभी तक पता नहीं है कि मैंने ईडी क्यों पढ़ी थी। कई सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ से कंसर्न नहीं होते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रियल लाइफ से रिलेटेड होता है दोस्तों। क्यों होता है देखिए जरा, आप जॉब लगेगी आपकी, और ज़रूर लगेगी, आप किसी कंपनी के मैनेजर बनेंगे, आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आप किसी कंपनी को लीड करेंगे, मैनेजमेंट का काम आप संभालेंगे, तो समय की डिमांड क्या कहती है, एक पर्सन के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, डिसीज़न, ठीक है ना, डिसीज़न होनी चाहिए उसके अंदर, डिसीज़न मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। यानी कि समय रहते हुए अगर आपने सही समय पर डिसीज़न ले लिए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 80% काम इसी से हो जाता है, ठीक है ना। राइट समय पर राइट डिसीजन अगर आपने लेना सीख लिए दोस्तों, तो आपका जिस भी काम में आप माहिर हैं वो काम करना बड़ा स्मूथ हो जाता है। इसी वजह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होते हैं हमारे एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, हमको मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि अगर मैं आपको कभी हायर करूँगा, अगर आप कभी आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं कि नहीं है, आप समाज में जाकर वो डिसीजन ले पाने में सक्षम व्यक्ति है या नहीं है। इसी तरह से एक स्टूडेंट कैंडिडेट बनता है, ठीक है ना। आपके अंदर डिसीजन स्किल्स हैं
तो आप इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए जाते हैं दोस्तों। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो दिए जाते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे आपका लॉजिकल एबिलिटी का पता लगता है। अगर आपके अंदर लॉजिकल एबिलिटी है तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये बंदा या ये लड़का या लड़की मेरे काम के हैं और इनको मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम ज़रूर दूंगा क्योंकि इनका एनालिटिकल और लॉजिकल माइंड बहुत काम कर रहा है, ठीक है ना। एक पल को मार्क्स में अंडर एस्टिमेट कर सकता हूँ लेकिन लॉजिकल माइंड को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। और यही आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती है लेकिन दोस्तों उनका लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना। कई सारे बिजनेस टाइकून्स ऐसे हैं जिनका एजुकेशन वो इतनी नहीं पढ़ पाए हैं लेकिन लॉजिकल एबिलिटी उनके अंदर बहुत रहती है। इसी चीज को जज करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये तो रही कि वाई आरसी, क्यों आरसी दी जाती है, क्यों पैसेज दिए जाते हैं आपको एग्जाम में, और लगभग नहीं 100% आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जो भी हमारे ऑफिसर लेवल एग्जाम है और जो भी हमारे क्रीम लेयर के एग्जाम्स हैं उसमें आपको आरसी जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आरसी में पूछे जा सकते हैं आपको मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनकी पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत ही कम है। डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस पहले के टाइम में आते थे जब कॉम्पिटिशन बहुत कम था, जैसे कि स्टोरी बेस्ड पैसेज नहीं होते हैं। जैसे एक समय एक राजा था, एक रानी थी, एक गांव में ये लोग रहते थे। गांव में आग लग गई, राजा ने गांव को बचा लिया, गांव का नाम फलाना फलाना पुर है। और अब वो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें से पूछ लेते थे कि गांव का नाम बताओ क्या था, गांव में आग किस समय लगी थी, ठीक है ना, राजा ने किस तरह से गांव को बचाया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे जो फैक्ट्स एंड डेटा पर बेस्ड होते थे। इनका समय चला गया दोस्तों अब, ठीक है ना। अब डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते, हार्डली पूछे जाएंगे भी तो मैं उनको परसेंट दूँ 10% बस, ठीक है। 10% ही वो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, बाकी इनका स्कोप बहुत कम है। किस तरह की जानकारी एग्जामिनर पूछता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो ये पूछता है, कौन सी, इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन। ये इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, ठीक है, जिन बातों को वो छुपा देते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो जैसे मैंने आपको कोई बात कहनी चाहिए, आप तक कोई बात पहुंचानी चाहिए लेकिन बोलकर नहीं पहुंचाई, आंखों ही आंखों में मैंने इशारा कर दिया या मेरे एक्सप्रेशन से आप बात समझ गए, बात आप समझ रहे हो ना। जैसे अगर मैंने किसी बात को कहा नहीं आपके पास आकर, मैंने उस बात को केवल अपने इशारों से, अपने वे ऑफ टॉकिंग से, अपने सरकाज़म से आप तक बात पहुंचा दी, उसको कहा जाता है इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन। और एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन किसको कहा जाता है दोस्तों, कि जो जग जाहिर होते हैं। जैसे अगर मैंने आपके सामने सीधे सीधे बोल दिया तो वो जो इन्फॉर्मेशन आप तक गई है वो एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन गई है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक इनडायरेक्टली पहुंचाना चाहा वो इन्फॉर्मेशन इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन है, ठीक बात। तो 90% चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर आपसे इसमें इम्प्लिसिट जानकारी पूछता है, इम्प्लिसिट यानी छुपी हुई जानकारी। इसके लिए तैयार रहना, डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम पूछे जाएंगे दोस्तों, और जो है इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन ये जो है, ये आपको 110% एग्जाम में ज़रूर मिलेगा जहाँ तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात है। क्या है वो, व्हाट इज़ द थीम एंड सेंट्रल पैसेज, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक बात। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, व्हाट इज द थीम एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ये आपको देखने को मिलेगा ही दोस्तों, ठीक बात है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, कि ऑथर का एटीट्यूड क्या है, किस एटीट्यूड में उस ऑथर ने इस पैसेज को रीड किया हुआ है, ठीक बात। तो देखिए जरा किस तरह के एटीट्यूड हो सकते हैं, ऑथर का जो एटीट्यूड हो सकता है वो इंट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। इंट्रोस्पेक्टिव कहने का मेरा मतलब है कि पूछताछ करना। दूसरा है आपका क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब आलोचना, क्या पैसेज जो ऑथर है क्या वो आलोचना कर रहा है। और तीसरा है सजेस्टिव, यानी कि सजेशन दे रहा है। अगर पैसेज में ऑथर जो है वो सजेशन दे रहा है तो उसकी टोन जो है, जो एटीट्यूड है वो सजेस्टिव है। आलोचना कर रहा है क्या ऑथर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाऊं तो ये हो जाएगा, जैसे मैं फुटबॉल का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है ना, इंडिया में फुटबॉल की गेम का एग्जाम्पल लूँ, तो देखिए किस तरह से ऑथर की टोन चेंज होगी। पहला है आपका कौन सा टोन ले रहा हूँ मैं, क्रिटिकल,
इस टोन का मतलब क्या होगा कि ऑथर ये कह रहा है कि इंडिया में क्रिकेट का स्कोप ही है, बाकी गेम्स का स्कोप नहीं है। इंडिया में जो हमारे यू नो विराट कोहली, धोनी, ये सब जो भी हमारे प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, इन्हीं को हाईलाइट मिलती है, फुटबॉल को प्लेयर्स को उतनी हाईलाइट नहीं मिलती, फुटबॉल का गेम बहुत पीछे जा रहा है। तो क्या कर रहा है ऑथर, इसमें आलोचना कर रहा है, तो इस चीज़ों को पकड़ना है। दूसरी टोन देखो, इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव टोन यानी कि अब उसकी टोन चेंज हो जाएगी ऑथर की, कि क्या फुटबॉल इसी तरह से पीछे रहेगा, क्या फुटबॉल में इसी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्या फुटबॉल के जो प्लेयर्स होंगे वो इसी प्रकार से डाउन ट्रोडन होते रहेंगे, तो उसी प्रकार से उसकी टोन इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएगी। तीसरा टोन क्या होता है, सजेस्टिव। सजेस्टिव यानी कि हो सकता है ऑथर का टोन ऐसा हो कि वो राय देना चाह रहा हो कि क्रिकेट अच्छा है, अच्छा स्पोर्ट्स है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुटबॉल को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से, जिस तरह से आईपीएल को इतना हाईलाइट किया जाता है, उसी तरह से फुटबॉल की भी लीग होनी चाहिए और एडवर्टीजमेंट उन्हें मिलना चाहिए, उसी तरह से उन्हें हाईलाइट कर देना चाहिए। तो हो सकता है ऑथर की जो टोन होगी वो एटीट्यूड जो होगा वो सजेस्टिव हो सकता है। ठीक बात, चलो फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। हमने तीन प्रकार के क्वेश्चंस देख लिए हैं दोस्तों। चौथा जो क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है अजम्पशंस एंड आर्गुमेंट्स, ठीक है ना, अजम्पशंस एंड आर्गुमेंट्स, ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वोकैबुलरी बेस्ड, ये है बड़ा हाथी, ठीक है ना, ये है बड़ा हाथी। अगर सिंपल भाषा में बात करूँ तो बाकी सब पूछ थी, ठीक है ना, बाकी सब पूछ का कंटेंट था, ये है हमारा मेन हाथी वोकैबुलरी बेस्ड। अगर रीडिंग कॉम्प्रेशन में 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, तो 10 में से दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं आपको रीडिंग कॉम्प्रेशन में वोकैबुलरी बेस्ड मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अखबार पढ़ा करें, इसलिए कहा जाता है कि वोकैबुलरी को गार्निश करता रहा करें, पॉलिश करते रहा करें, रिविजन करते रहा करें। वोकैबुलरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी ग्रामर थोड़ी बहुत भी हल्की हुई ना, तो वोकैबुलरी पर बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आसानी से आप सेक्शन कट ऑफ निकाल लोगे। इस चैनल के थ्रू आप ये सीख जाओगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इंग्लिश वाइंस के चैनल्स के थ्रू आप कई सारी वीडियोस ऐसी आएंगी हमारी जिनके थ्रू आप ये समझ जाओगे कि पेपर कैसे निकाला जाता है। मार्केट में कई कंटेंट्स हैं, मार्केट में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं नहीं कहता कि मैं बेस्ट हूँ, मैं नहीं कहता कि आप मुझसे पढ़ें, मैं नहीं कहता कि मैं जो क्वेश्चंस दूंगा वो एग्ज़ाम में आएंगे। मैं बस इतना अश्योरिटी दिलवा रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल से जुड़े रहे तो आपको इंग्लिश को देखने का तरीका बदल जाएगा। ठीक बात है। और मेरा इस यूट्यूब चैनल पर आने का मेन इंटेंशन यही है कि आप इंग्लिश की सोल को पकड़ लो, और इस पर मैं मेन फोकस करने वाला हूँ, ग्रामर और वोकैबुलरी पर। और वो हर पिछले साल आए हुए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो एक्सपेक्टेड है पूछे जाएंगे, उन पर हम काम करने वाले हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आउट ऑफ 10, वो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि यू शुड फोकस ऑन वोकैबुलरी पार्ट इंस्टेड ऑफ योर, इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनी कॉन्फिडेंस अबाउट यू नो लाइक टोन ऑफ द ऑथर, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द, और यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन, तो समवेयर यू कैन स्किप द इन्फॉर्मेशन। बट एज फार एज वोकैबुलरी इज कंसर्न, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर मार्क्ड इन अ वन वे, वन वे यानी कि आता है तो लगा देंगे और नहीं आता तो छोड़ देंगे। बट एज फार एज इम्प्लिसिट और एटीट्यूड ऑफ द ऑथर इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न, यू विल हैव टू मेक योर माइंड क्लियर कि जो इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर पूछ रहा है, इज दिस राइट और रॉन्ग। ओके, तो अभी तक जो मैंने आपने वीडियो देखी उसमें सबसे मेन फटा ये था हमारा कि आपको वोकैबुलरी पर अच्छा खासा ध्यान देना है। और इस चैनल में हम इंग्लिश वाइन के इस चैनल में पूरा फोकस करने वाले हैं ग्रामर पर भी और वोकैबुलरी पर। पेपर क्यों नहीं निकलेगा, है ना, आपकी मेहनत और मेरी मेहनत अगर एक जैसी हुई तो पेपर निकलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। वोकैबुलरी का सेक्शन यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 40 से 50% पूछा जाता है। वोकैबुलरी को कैसे याद करेंगे, हम इस चैनल में रूट वर्ड्स, कई सारे रूट वर्ड्स हम पढ़ेंगे जिसमें एक रूट वर्ड की सहायता से हम 10 से 15 वर्ड याद कर सकते हैं और उन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल तक याद रख सकते हैं, ठीक है ना। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर यानी द हिंदू के,
इस चैनल में हम द हिंदू का एडिटोरियल सीधा सीधा उठाने वाले हैं एंड एक एडिटोरियल उठाएंगे। उस एडिटोरियल में ग्रामर कैसे काम कर रही है, वोकैबुलरी कैसे काम कर रही है और करंट अफेयर से भी अपडेट रहना है तो ये भी हम लोग देखेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और ये मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है फनी ट्रिक्स, ठीक है ना। कुछ फनी ट्रिक्स से अगर हमें वोकैबुलरी 6 महीने तक या 1 साल तक याद हो पा रही है तो काफ़ी आसान हो जाता है उस वोकैबुलरी को याद करना। जैसे एक वर्ड है हमारा टैबू। अब टैबू का मतलब होता है प्रोहिबिशन, निषेध, ठीक है ना। अब टैबू को हम कैसे याद कर सकते हैं, या तो भैया याद करें रट्टा मारें, जैसे हम बचपन में स्क्वायर यू नो टेबल्स ये सब क्यूब्स ये सब याद करते थे, नहीं तो फिर फनी ट्रिक्स को अपना लो। फनी ट्रिक्स जैसे कि तब्बू की फिल्म पाकिस्तान में बैन हो गई, टैबू को अगर मैंने तब्बू से रिलेट कर दिया, क्योंकि अभी मैंने टैबू का मतलब बताया, टैबू का मतलब होता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन यानी कहीं रोक लग जाती है ना, उसको हम टैबू बोलते हैं, ठीक बात। तो टैबू का मतलब होता है प्रोहिबिशन, रोक, तो मैं इसको रिलेट कर दिया है तब्बू से, बस और कुछ नहीं किया है। तब्बू की फिल्म पाकिस्तान में प्रोहिबिट हो गई है, रोक लग गई है, ओके। ऐसे कई सारे वर्ड है दोस्तों, कई सारे वर्ड है। एमुलेट, एमुलेट, एमुलेट का मतलब होता है नकल करना, इंटीमेट करना, ठीक है ना, इंटीमेट करना, नकल करना, ठीक है। तो एमुलेट को मैं कैसे याद कर सकता हूँ, आमलेट, वो मेरे जैसे आमलेट बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो एमुलेट को मैंने आमलेट से रिलेट कर लिया। ऐसे कई सारी फनी ट्रिक्स हम देखने वाले हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं और रूट वर्ड्स देखने वाले हैं, ओके। आगे देखते हैं आगे की स्लाइड्स में क्या है। फोकस आपको करना पड़ेगा टोन ऑफ दी वर्ड्स पे, ठीक है ना, टोन ऑफ दी वर्ड्स पे। देखिए कई तरह की टोन्स होती हैं वर्ड्स की, पॉजिटिव टोन होती है, नेगेटिव टोन होती है और न्यूट्रल टोन होती है। पॉजिटिव टोन वाले वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, देखो दोस्तों इसको अंडर एस्टिमेट मत करें, मैं आपसे बोल रहा हूँ करेक्ट मेथोडोलॉजी अगर आपको पता होगी एग्जाम की तो पेपर निकलेगा ही निकलेगा। कभी सोचा इस बात पे, गौर किया है कि क्यों बच्चा 2 साल तक 3 साल तक पढ़ता रहता है और क्यों एक वही बच्चा 6 महीने की पढ़ाई करने पर पेपर निकाल लेता है, अंतर कहाँ आया था। दिमाग दोनों का एक ही है, वेट दोनों के दिमाग का एक ही है, फीस दोनों ने कोचिंग में एक ही दी हुई है, फिर ऐसा क्या हुआ कि एक बच्चे का 2.5 साल में 3 साल में कई सारे अटेम्प्ट के होने के बावजूद भी ही कुडंट मेक इट। द प्राइम रीजन इज उसकी मेथोडोलॉजी, उसके नोट्स, उसका कंटेंट, वो कहाँ से पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है, ये बहुत मैटर करता है दोस्तों। अगर एक गलत रास्ते पर मैं कितना भी लंबा चला जाऊँगा ना, डेस्टिनेशन में नहीं पहुँच पाऊँगा क्योंकि डेस्टिनेशन वहाँ है ही नहीं। अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है ना, अगर वहाँ डेस्टिनेशन है ही नहीं तो आप कितना भी कोशिश कर लो आप उस डेस्टिनेशन नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि रास्ता ही आपने गलत चुना है ना। इसी प्रकार से आप करेक्ट कंटेंट इस चैनल में दिए जाएंगे, उतनी कंटेंट जितना कि एग्जाम में ज़रूरी है। हमारा मेन प्राइम फोकस क्या रहेगा, पेपर को निकालना, कोई इधर उधर की बातें नहीं, पेपर निकालें, ऐसी जानकारी आपको इस चैनल में दी जाएंगी और आप समय के रहते हुए पेपर निकालें, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन लेट हो जाए, ठीक है। ये पॉजिटिव टोन होती है, नेगेटिव टोन होती है और न्यूट्रल टोन होती है। ये वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर सामने लिखे हुए हैं, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, इलेटेड, खुश, जोवियल, खुश, एमिकेबल, मिलनसार, ये सारे वर्ड जो होते हैं वो खुशी बांटते हैं, पॉजिटिविटी बांटते हैं, ओके। और जो नेगेटिव वर्ड्स हैं हमारे वो भी स्क्रीन पर, जैसे सेल्फिश, जो पॉजिटिव एनर्जी दें वो पॉजिटिव वर्ड्स, जो नेगेटिव एनर्जी दें वो नेगेटिव वर्ड्स, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत फोकस करता है, ठीक है ना। इसी से जो एटीट्यूड होता है ना ऑथर का वो पता चलता है, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। थोड़ी और अगर मैं बातें करूं तो मैनेजमेंट पेपर जैसे कैट, मैट, जेट में 75% पोर्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है दोस्तों। बैंकिंग के एग्जाम में 40% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे आता है। यूपीएससी सीसेट में 30 में से 25 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं और एसएससी प्री जो भी अभी अप्रैल में होने वाला है, मार्च में होने वाला है सॉरी, तो वो 25 में से 5 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे और मेंस में से 200 में से 50 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक बात है। ये इंपॉर्टेंस तो है ही, बिसाइड्स दैट यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर क्रिटिकल रीडिंग, ऑन योर एनालिटिकल रीडिंग, ऑन योर डिसीजन मेकिंग।
जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो सीख रहे होते हैं, तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स आ जाती हैं, एनालिटिकल स्किल्स आ जाती हैं और क्रिटिकल रीडिंग आ जाती है। ये क्या चीज़ होती है? क्रिटिकल रीडिंग मतलब होता है कि आपको चाचा चौधरी टाइप की रीडिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको यहाँ कॉमिक्स नहीं पढ़नी है, आपको यहाँ राजा रानी की कहानियाँ नहीं पढ़नी है, आपको यहाँ क्रिटिकल रीडिंग पढ़नी है। क्रिटिकल रीडिंग से मेरा मतलब है यहाँ आपको GDP, इकोनॉमिक्स, इंडिया की पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड एडिटोरियल्स ये पढ़ने हैं, स्पोर्ट्स, कल्चर, पॉलिटी, ये सारी चीज़ों पर आपको अवेयरनेस होगी, तब जाके आपके अंदर एक इंटरेस्ट जागेगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में जो पैसेज दिए जाएंगे वो चाचा चौधरी की कहानियाँ नहीं दी जाएंगी, ठीक बात। वो आपको थोड़े से क्रिटिकल रीडिंग एक्सपेक्ट करेगा कि बच्चे को क्रिटिकल रीडिंग आती है कि नहीं आती है। इसको हम लोग एक्टिव रीडिंग कहते हैं, ठीक है ना। पैसिव रीडिंग क्या होती है? जो चाचा चौधरी की कहानी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो वही होती है पैसिव रीडिंग, जो स्टोरी बेस्ड होती है, ठीक है ना। इनसे हम एक पैसेज का एक आइडिया ले सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। वोकैबुलरी सबसे बड़ा चैलेंज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे को दिक्कत कहाँ आती है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे को दिक्कत आती है उसका वोकैबुलरी पार्ट बहुत वीक होता है, ठीक है। जैसे रैप्ट, एक्सट्रपेट, सोम्बर, फ्लक्स, डिफ्लेट, पॉपर, अगर इस तरह के वर्ड एग्जाम में मिलेंगे पैसेज में, तो बच्चे को लगेगा कि भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट हिज और हर कप ऑफ टी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे रैप्ट का मतलब पता होगा, रैप्ट मतलब मग्न, खुश, एक्सट्रपेट रिमूव, सोम्बर बोरियत, उबाऊ, बोरिंग, फ्लक्स, फ्लक्स मतलब चेंज, डिफ्लेट डिक्रीज, पॉपर गरीब, कैशलेस मनीलेस, ठीक है ना। तो अगर ये वर्ड मुझे पता होंगे तो मेरे लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर ये मेरे बस की बात होगी ही नहीं, ठीक बात। ओके, ग्रामर काम करना पड़ेगा आपको, ग्रामर वाले पार्ट पे, सेंटेंस कहाँ टूट रहा है, ठीक है ना, कहाँ सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, कहाँ सेंटेंस में क्लॉज कौन सा दिया है, फ्रेज कौन सा दिया है, सेंटेंस का टाइप कौन से हैं, इनकी जानकारी तो होनी पड़ेगी दोस्तों। आपको माने ना माने आपको अपडेट भी रहना पड़ेगा, इकोनॉमी कंटेंट, इकोलॉजी पर, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, GST, टैक्सेस, पे कमीशन, GDP फिगर्स, इन सब से आपको अपडेट भी होना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी कमी होती है इंटरेस्ट की, पैसेज में बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि आप लोग मसाला न्यूज़ पढ़ने के आदि हो चुके हो ना, कुछ बच्चे, सब तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ बच्चे मसाला न्यूज़ पढ़ने के आदि हो गए। जैसे कि अनुष्का और विराट कोहली का डिवोर्स हो गया, मान लो अभी तो नहीं हुआ और ना भगवान करे हो, लेकिन अगर इस तरह की न्यूज़ आएंगी तो वो हाईलाइट हो जाएंगे और लोग उसी के पीछे भागना शुरू कर देंगे, है ना। मसाला न्यूज़, ब्रेकअप हुआ किसी का पैचअप हुआ, किसी की नई पिक्चर रिलीज हुई, किसी के पैर में चोट लग गई, किसी का बेटा बीमार हो गया, तो ये पैसिव रीडिंग होती है, इनमें लोगों को इंटरेस्ट बहुत आता है। लेकिन एक्चुअल में द हिंदू पढ़ने के लिए रिकमेंडेशन मैं इसलिए देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इनमें जो कंटेंट आता है ना, थोड़ा महंगा पेपर ज़रूर है, पर उसमें जो कंटेंट आता है वो तमीज़ वाला कंटेंट है। मैं तमीज़ वाला इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसमें इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, इन सब चीज़ों पर बेस्ड एडिटोरियल्स मिलते हैं और यही डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक बच्चे के पास सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है, देखो ये सारी मैंने जो नोट्स आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ही आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं स्टूडेंट था, जब मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो ये सारी प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी, तो मुझे पता है एज अ स्टूडेंट एक स्टूडेंट क्या सोचता है, उसमें क्या क्या ऐसी बातें आती हैं कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता एज फार एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज कंसर्न। ये कुछ गिनी चुनी 4-5 चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को, मैंने 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 5 साल में मैंने जब बच्चों से रूबरू होता हूँ, मिलता हूँ, तो बच्चों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं वो ये 4 देखी हैं। जब मैं भी स्टूडेंट था, जब मेरे पास भी कोई कोचिंग और ऑनलाइन जरिया नहीं था कि मैं चीज़ों को पढ़ सकूं, तो मैंने भी ये प्रॉब्लम देखी थी। फिर मैंने खुद के कुछ कंटेंट्स बनाए, खुद के कुछ सोचने का तरीका चेंज किया, और फिर मैंने पाया कि किताबों में जो जानकारी दी जाती है वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो स्थाई है, बस वहीं पर है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। बच्चा वहाँ स्टक हो जाता है, ना उसके आगे सोच पाता है, ना उसमें परिपक्व हो पाता है, उस पर वो कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पाता कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो प्योरली सही भी है या नहीं है।
तो ये सारे हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आज हमने थोड़ी बेसिक जानकारी ली, ठीक है ना। और हाउ टू कॉम्प्रीमेंट पैसेज, अभी तो यही है, अगले टर्न पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अभी तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगले वीडियो में यानी जो इसका सेकेंड पार्ट होगा। तो दोस्तों जो अभी तक हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अभी तक हिस्सा देखा था वो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट फर्स्ट था, ठीक है ना। मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इस सेक्शन को दो पार्ट में बाइफरकेट किया हुआ है, यानी डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट अभी तक हमने 30 मिनट में देखा, फैक्ट्स एंड फंडामेंटल्स देखे, किस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए, किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए। अगले पार्ट में यानी जो उसका पार्ट सेकेंड आएगा बहुत जल्द, और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें, क्योंकि उसमें मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। अगले सेक्शन के लिए थोड़ी सी एक हाईलाइट आपके सामने मैं आपको बोल देता हूँ, वो क्या है, वो ये है कि हम लोग कई सारे बैकएंड में चीज़ें छुपी होती हैं जो ऑथर छुपा देता है, ठीक है ना, और किस तरह से ऑप्शंस को टैकल करना चाहिए, ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ये हम सारी चीज़ें अपने पार्ट सेकेंड में देखने वाले हैं, ठीक है ना। पार्ट सेकेंड में हम लोग एक स्टोरी बेस्ड पैसेज लेने वाले हैं, और बाहुबली ये हमने काली जो हमारी स्टोरी है उसको हमने रखा है, बाहुबली की हम स्टोरी पढ़ेंगे, और उस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते किस तरह से कुछ फ्रेजल वर्ब्स काम आएंगी, वोकैब काम आएंगे, ग्रामर के कंटेंट काम आएंगे, और हमारे फ्रेजेस काम आ रहे हैं, और किस तरह से पैसेज में क्या क्या इम्प्लिसिट चीज़ें होती हैं वो देखना सीखेंगे, ठीक बात। तो बहुत कुछ आने वाला है पार्ट सेकंड में, सिनोनिम्स आने वाले हैं, एंटोनिम्स आने वाले हैं, एक अच्छा खासा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर एक पैसेज आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले टर्न पर और अगले पार्ट में ज़रूर देखेंगे, ठीक बात। तो अगले वीडियो में इसी चैनल पर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जुड़ी हुई चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा अभी तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पहला पार्ट, अगले पार्ट में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, और आपसे बस यही कहूँगा, दिस इज हीरेन सिंह कुशवाहा साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे इस इंग्लिश माइंड के चैनल को, चूँकि अब नया साल है तो कई सारी नई चीज़ आने वाली हैं, तो लाइक करें, ठीक बात, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। और जो भी आपके कमेंट है वो हमारे बिलो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं। आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उन इलाकों तक भी पहुंच जाए वीडियो, और ये चैनल उन इलाकों तक भी शेयर हो जाए जिनको वाकई में पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। इस चैनल में कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।